दोस्तों, कई बार आपने ट्रेन में सफर किया होगा। ट्रेन में सफर करना आपको पसंद होगा। रोजाना लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए ट्रेन में सफर करते हैं। क्या आप जानते हैं, भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आपने कई बार सोचा होगा, ट्रेन में सफर करने के लिए कुछ न कुछ किराया देना ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देश में एक ऐसी ट्रेन है जिसमें सफर करने से किराया नहीं लगता। जी हाँ, आपने सही सुना है। आइए आपको बताते हैं ऐसी ट्रेन के बारे में जिसमें आप कानूनी तरीके से फ्री में सफर कर सकते हैं। ये खास ट्रेन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर चलती है। अगर आप भाखड़ा नागल बांध देखने जाते हैं तो इस ट्रेन में आप फ्री में सफर कर सकते हैं। आपको बता दें, ये ट्रेन नंगल से भाखड़ा बांध तक चलती है। क्या आप जानते हैं, इस ट्रेन में 25 गांव के लोग तकरीबन 73 साल से फ्री में सफर कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां एक तरफ भारतीय रेल सभी ट्रेनों के टिकट का दाम बढ़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस ट्रेन में फ्री में सफर क्यों करते हैं और रेलवे इसकी इजाजत कैसे देती है। तो चलिए आपको बताते हैं, इस ट्रेन को भाखड़ा डैम की जानकारी देने के उद्देश्य से चलाया जाता है, ताकि देश की भावी पीढ़ी ये जान सके कि देश का सबसे बड़ा भाखड़ा डैम कैसे बना था। उन्हें मालूम हो कि इस डैम को बनाने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इस ट्रेन का संचालन करता है। शुरुआत में इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए पहाड़ों को काटकर दुर्गम रास्ता बनाया गया था, जिससे यहाँ निर्माण सामग्री पहुँच सके। ये ट्रेन पिछले 73 सालों से चल रही है। पहली बार इसे साल 1949 में चलाया गया था। इस ट्रेन के जरिए 25 गांव के 300 लोग रोजाना सफर करते हैं। इस ट्रेन का सबसे ज्यादा फायदा छात्रों को होता है। ट्रेन नंगल से डैम तक चलती है और दिन में 2 बार सफर तय करती है। ट्रेन की खास बात यह है कि इसके सभी कोच लकड़ी के बने हैं। इसमें ना तो कोई हॉकर और ना ही आपको इसमें टीटी मिलेगा। दोस्तों, ये ट्रेन करीब 40 मिनट का सफर करती है। सुबह 7:05 पर ये ट्रेन नंगल से चलती है और लगभग 8:20 पर ये ट्रेन भाखड़ा से वापस नंगल की ओर आती है। वहीं दोपहर में एक बार फिर 3:05 पर ये नंगल से चलती है और शाम 4:20 पर ये भाखड़ा डैम से वापस नंगल को आती है। नंगल से भाखड़ा डैम पहुंचने में ट्रेन को लगभग 40 मिनट लगते हैं। जब ट्रेन को शुरू किया गया था तब इसमें 10 बोगियां चलती थी, लेकिन अब इसमें केवल 3 ही बोगियां हैं। इस ट्रेन में एक डिब्बा पर्यटकों के लिए और एक महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये अद्भुत जानकारी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।